उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। सीएम धामी ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजा राजेश्वर में शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट 2023 पर जानकारी देते हुए बताया कि निवेश के संबंध में हमने निवेशक समूह और उद्योग समूह से मिलकर संवाद किया है, जिसमें 40,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सब का आकलन करने के बाद उम्मीद है कि एक बड़ा निवेश उत्तराखंड के अंदर इस बार आएगा। वहीं 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस को लेकर उन्होंने बताया कि चार राज्यों का यह मध्य स्तरीय परिषद है, जिसमें अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस के जो एजेंडे है उन सब पर चर्चा की जाएगी। निवेश के मामले में जितने भी हमने लोगों से संवाद किया है, निवेशक समूह से और उद्योग समूह से, सब मिला के 40,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव लगातार प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि किन पर करार करना है और कौन राज्य की दृष्टि से ठीक रहेंगे, इनसे हमारे यहाँ निवेश और उद्योग दोनों ही बढ़ेगा, साथ में रोजगार भी बढ़ेगा। उन सभी पर विचार करते हुए हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक बड़ा निवेश उत्तराखंड के अंदर इस बार आएगा और साथ ही जो हमारा निवेश सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन से पहले एक बड़ी राशि निवेश के रूप में हमको ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हमको प्राप्त हो जाए, उस दिशा में हम ठोस तरीके से